बहुत अच्छे भतीजे, और तू सबसे आगे है। अगर तू जीता तो मैं संडे को तेरे जीतने की खुशी में एक शानदार पार्टी रखूंगा। पार्टी? अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कोई पार्टी नहीं होगी। ओए भतीजे उठ, और तू अभी भी जीत सकता है। याद है ना संडे पार्टी? पार्टी यानी फ्री का खाना। पार्टी में हमें नहीं बुलाओगे बलवान? जरूर बुलाऊंगा। आखिर संडे आ ही गया। संडे यानी पार्टी डे। क्यों भतीजे, आज का दिन बड़ा स्पेशल है ना? तो चाचू को पार्टी याद है? आज इंडिया का मैच जो है, मजा आएगा। आज मैं शाम की पार्टी के लिए कुछ खास बना रही हूँ। चलो अच्छा है, आपको तो पार्टी याद है चाची। ओहो, मेरी किट्टी पार्टी है, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ? किट्टी पार्टी यानी चाचू और चाची मुझे प्रॉमिस की हुई पार्टी भूल गए? ओ जी, आपका प्लान तो काम कर गया। भतीजे को लग रहा है कि हम पार्टी के बारे में भूल गए, पर उसे असली सरप्राइज तो तब मिलेगा जब हम शाम को उसके लिए एक शानदार पार्टी रखेंगे। मैं पार्टी की तैयारी करने जाता हूँ। अजीब बात है, किसी को मेरी पार्टी याद ही नहीं। मैंने कहा था ना, कोई पार्टी नहीं होगी। चल मेरी तरफ से तुझे ये छोटा सा गिफ्ट। मैडम जी, धक्का मारते मारते मेरी जान निकल गई, पर ये जीप है कि शुरू होने का नाम भी नहीं लेती। और वाह भतीजे, तन्ने गिफ्ट देना तो बनता है। चलो, किसी को तो मेरी रेस की जीत याद रही। और जो काम बहादुर घंटे भर में ना कर पाया, तन्ने एक मिनट में कर दिया। हमारी बंद जीप चालू कर दी। अच्छा, ये भी भूल गए। ओए भतीजे को लग रहा है कि हम उसकी पार्टी भूल गए, पर जब वो शाम को पार्टी में पहुँचेगा तब उसे असली सरप्राइज मिलेगा। मैं आपके भतीजे को सब बता दूंगा और सारा सरप्राइज खराब कर दूंगा। नहीं बिट्टू, ऐसा मत करना। तुझे एक जरूरी बात बतानी है। नहीं बिट्टू, अभी मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। अरे सुन। लगता है सर पर चोट लगने की वजह से बिट्टू की आवाज चली गई है। बाल बाल बचे। भतीजे, मैं समझाता हूँ। ओ बिट्टू कोई प्राचीन भाषा में अपनी सारी गलतियों के लिए तुझसे माफी मांग रहा है, और ये कह रहा है कि ये तेरा बहुत बड़ा फैन है और तुझसे दोस्ती करना चाहता है। अच्छा ठीक है बिट्टू, तुझे माफ किया। ओए बिट्टू, और तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। और चलो चलो, मैं तुम्हें कार तक छोड़ देता हूँ। चाचू को बिट्टू की इतनी फिक्र है पर मेरी नहीं। ओ जी, पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी है। आपको अब भतीजे को पार्टी हॉल तक लाना है। आपको प्लान तो याद है ना? ओ जी बिल्कुल याद है। मिमिक्री भाई चोर बनने का नाटक करेगा। मैं भतीजे से कहूंगी मेरी जीप खराब हो गई है और उसे पार्टी का सरप्राइज देंगे। मैडम जी, भतीजा आ गया। चार, चार। हैं?
लगता है मिमिक्री चोर के कैरेक्टर में आ गया। अरे भतीजे, मेरी जीप खराब हो गई है, जरा उस चोर को पकड़ने में मारी मदद कर। ठीक है बंदूकनी जी, मैं अभी उस चोर का पीछा करता हूँ। अरे वाह, मिमिक्री ने तो कमाल की एक्टिंग की है। वाह बंदूकनी जी, मिमिक्री एक आप ही हैं जो मेरे टैलेंट को पहचान पाई। रे मिमिक्री, तू यहाँ? तो फिर वो चोर कौन था? मैं कोई चोरी करता हूँ, ये भतीजे को कैसे पता चल जाता है? तुझे तो कहाँ भागना है? चाचू, आपने यहाँ किसी चोर को भागते हुए देखा? हाँ, वो उस तरफ भागा है। ओहो बिट्टू, तू फिर से शुरू हो गया। मैंने कहा ना मैंने तुझे माफ किया, अब बस भी कर। नहीं, भूलने की एक्टिंग कर रहे थे, जैसे तुम्हारे मिमिक्री अंकल चोर बनने की एक्टिंग करके तुम्हें यहाँ ले आए। और सब मेरी बात ध्यान से सुनो, मिमिक्री हमारे साथ ही था, यानी भतीजा कोई असली चोर का पीछा कर रहा था, ढूंढो उसे। ये तो नहीं, नहीं। ये बच्चा तो कहाँ फंस गया मैं? ओ चाचा, हम भतीजा को सरप्राइज देने जा रहे थे, इस चोर ने हमें ही सरप्राइज कर दिया, पर चोर मेरे हाथ से बचकर जा नहीं सकता। ओए भतीजे माफ करना, पहुँचने में जरा सी देर होगी। कैसा लगा सरप्राइज? अरे चाचे, तू वहाँ? तो फिर ये कौन सा है? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी आवाज वापस आ गई। चाचा तुझे एक सरप्राइज पार्टी देने वाला है। इतनी मिमिक्री सब चाचा के साथ मिले हुए हैं। मैंने तेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया है ना? ओहो बिट्टू, मुझे चाचू की सरप्राइज पार्टी मिल गई। अब हटो रास्ते से, मुझे चोर को पकड़ना है। ये तो चीटिंग है। ओए चोर उस तरफ गया है, पकड़ो, चलो चलो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ओए रुक जा चोर, रुक जा। कोई मिला क्या? नहीं। चलो ढूंढते हैं। कोई मिला क्या? नहीं। चलो पकड़ते हैं। चोर कहाँ गया? ओ मन्ने के पता, इब तू ही तो उसके पीछे भाग रहा था। चोर उस तरफ भागा है। वो रहा चोर, उस तरफ। रा रुक जा। अरे बंदूकनी जी, आपके गन से कौन डरता है? खबरदार, जो आगे भागने की कोशिश की। बंदूक की गोली। नहीं नहीं, मैं सरेंडर करता हूँ, सरेंडर करता हूँ। कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। आ, 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 आ,
चोर पकड़ा गया। अब जरा पार्टी का केक खाया जाए। ओ ये ले डॉगी, ओ तू आइसक्रीम खाएगा? ओए ओए कितना अच्छा होता अगर मैं जानवरों की भाषा समझ लेता। ये लो मेरा नया गैजेट, एनिमल लैंग्वेज ट्रांसलेटर रिस्ट बैंड। ये किसी भी जानवर की भाषा ट्रांसलेट कर सकता है, फिर तुम जानवरों का कहा समझ भी सकते हो और उनसे बात भी कर सकते हो। ओ वाह जी क्या बात है, अब मैं जानवरों से बात करूंगा, ओए उनकी तकलीफ समझूंगा और उनकी समस्या सुलझाऊंगा। ओ बहादुर जीप रोक, चाचा भतीजा से हाय शाय तो करें। अरे अब बावड़ी बोझ भैंस की पूछ। ओए हेलो भैंस मंडली, तुम लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि इंस्पेक्टर बंदूकनी तुम्हारी पूंछ का जिक्र दिन में 10 बार करती है। भैंस की पूंछ। आदमी ये हमारी भाषा में बात कर रहा है और हम भी इसकी भाषा समझते हैं, पर ये तो हमारी पूंछ पर हंस रहा है। चाचू पता नहीं आपने भैंसों से क्या कहा, पर ये तो बड़ी गुस्से में लग रही है। ना कौन है या बंदूक ने जो हमारा नाम खराब कर रही है, बताओ। वो अरे तो जाओ पकड़ो औरत का जो हम सब बिना पूछा हमारा नाम का इस्तेमाल कर रही है। जाओ हमारा मुंह मत देखो, हमारा पूंछ का मजाक बना कर रखा है। बावड़ी पूछ भैंस की पूछ, तो यो भैंस मेरे पीछे क्यों पड़ गई सर? ओए 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 रुक जाओ पैसो, और लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। क्यों चाचा भैंसों के साथ भैंस की आवाज में के बड़बड़ा रास है, कहीं यही भैंसों को मेरे खिलाफ भड़का तो नहीं रास है? भैंस की पूछ। बंदूकनी जी वो पहले ये भैंस की पूंछ कहना बंद कीजिए, किसी वजह से पैसे आपसे गुस्सा है। ओए भतीजे बचा। हाँ भतीजे वो बचा। बंदूकनी जी पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को जेल में बंद कर लीजिए। खाते है भैंस की पूंछ की ताकत। यो तो जेल तोड़कर अंदर आ जाएंगे, इब कहां जाऊं भतीजे? बंदूकनी जी पीछे देखिए, यहाँ एक छोटी सी खिड़की है, इस खिड़की से बाहर कूद जाइए। भतीजे मन्ने छोड़ के मत जा, तू ही मारी आखिरी उम्मीद से। बच गए बावड़ी बूझ। हेलो इंस्पेक्टर बंदूकनी के हाथी का बच्चा बाजार में उधम मचा रहा से, मैं अभी आई। हमें फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाना चाहिए और इस हाथी के बच्चे को पकड़वाना चाहिए, वरना ये सब कुछ तोड़ देगा। नहीं रुको, हाथी बड़ा ही शांति प्रिय जानवर होता है, अगर ये शहर में आकर उधम मचा रहा है तो जरूर कोई कारण होगा। चाचू आप इस हाथी से पूछिए कि मामला क्या है। क्या वो इसका गुस्सा देखा है? ये तो मुझे भी उठा के पटक देगा। आपको कुछ नहीं होगा, आप इस ड्रम में हाथी के पास जाओगे। हाथी मेरे साथी, वो तू गुस्सा क्यों है?
ओए मुझे बता बात क्या है। ओए नहीं 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 नहीं, ओए मुझे नहीं मारना, तुझे तेरी पप्पी के वास्ते ना 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 मारना। नहीं 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 नहीं, रोना नहीं, तू रोएगा तो मैं भी रो पड़ूंगा यार। मुझे बता क्या हुआ, मैं तेरी मदद करूंगा। मेरा नाम अप्पू है। एक आदमी मेरी माँ को जंगल से पकड़कर शहर ले आया। मैं तो सिर्फ अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। ओए पतीजे, ये प्यारा अप्पू हाथी तो अपनी माँ को ढूंढ रहा है। चाचू इससे कहिए कि हम इसकी माँ को ढूंढने में इसकी मदद करेंगे। अब इसे घर या दुकान को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। वाह, चाचा और भतीजा ने तो कमाल कर दिया। हम इस फ्रूट मार्केट में क्या कर रहे हैं भतीजे? हमें तो अप्पू की माँ को ढूंढना चाहिए। चाचू अगर किसी ने हाथी को पकड़ रखा है तो उसके खाने के लिए बड़ी मात्रा में फल ले जाता होगा, इसलिए हम यहाँ हैं। ओए वाह भतीजे, तेरी सोच का जवाब नहीं। हाँ, कल एक आदमी आया तो था और 200 केले और 300 गन्ने ले गया। मेरी तो लॉटरी लग गई है। जी वही भतीजे, अप्पू कह रहा है कि इसी आदमी ने उसकी माँ को पकड़ा था। ये लो तेरे लिए खाना लाया हूँ। 20 आदमी का खाना खाएगी और 100 आदमी का काम करेगी। जल्दी से खाओ और क्रूर सिंह के काम पर लग जाओ। इन सारी लकड़ियों को खींच कर तुझे बहुत दूर ले जाना है। अच्छा, गुस्सा दिखाती है, ठीक है मत खा, भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। चाचू यही मौका है, अप्पू की माँ के पास जाइए और उसे कहिए कि हम उसे छुड़ाने आ गए हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। अप्पू की मम्मी जी नमस्ते, हम यहाँ आपको छुड़ाने आए हैं, अप्पू भी हमारे साथ है। हाँ? ये कौन आ गया, बोल क्या रहा है, लगता है इन्हीं के साथ है। अरे ये क्या हो गया, चाचू तो बेहोश हो गए। ये क्या, ये आदमी कौन है, कहाँ से आ गया? ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, माँ के साथ बेटा भी आ गया, अब फिर तुझे ठीक करता हूँ। ओए भतीजे, ये देख गैजेट टूट गया, इसीलिए अप्पू की माँ मेरी बात नहीं समझ पाई, अब मैं जानवरों से बात नहीं कर सकता। कोई बात नहीं चाचू, एक भाषा है जो सारे जानवर समझ सकते हैं, वो है प्यार की भाषा।
Thank you.